Welcome or welcome back to my channel. In today's video, we are doing huge Meesho Abaya haul. आज के लिए मेरी आवाज थोड़ी खराब है तो mind नहीं करना. I hope मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ even though I have cough. बट या आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है. Everything is under rupees, 1000 rupees के अंदर ही है, मतलब 850 के अंदर ही है. I don't know why I'm sounding so bad. So yeah, let's get started. It's super affordable. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. चलो वीडियो स्टार्ट. पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल अबाया लिया है जो मैंने आपके साथ अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था. आई गेस दिस इज ओनली फॉर ₹325 का सबसे सस्ता अबाया ये मिल जाता है. पहनने के बाद में दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये दिस आई गॉट फ्रॉम अ वेबसाइट. अगर आप मीशो से लेते हो तो ये आपको ₹400 का पड़ेगा. तो इनके वेबसाइट से अगर आप लोगे ना, जमजम अबाया बोल के है इंस्टाग्राम पे, एंड इनके वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो तो आपको ₹325 का पड़ेगा. बट वेन यू गेट फ्रॉम मीशो आपको एक्सचेंज डिलीवरी ये सर्विसेज मिल जाती है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप मीशो से परचेस करना. ₹400 का इतना अच्छा अबाया मिल जाता है आपको. सिंपल सा एकदम प्लेन सा है स्लीव में, इसके से इलास्टिक दी गई है. ये एक ही अबाया है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ जो ब्लैक है. बाकी सारे जो अबायाज है ना, सबका एवरीथिंग इज़ वेरी कलरफुल. मैंने ये एक ही ब्लैक रखी हूँ एंड इट्स वेरी मतलब बेसिक, देख सकते हो एकदम बेसिक सा अबाया है जो हर लड़की के पास होना ही चाहिए. आप इसमें ना ब्लैक कलर का हिजाब भी पहन सकते हो, अदर हिजाब कलर के साथ में भी इसको पेयर कर सकते हो. डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है. क्वालिटी इज रियली नाइस. मैं सच बता रही हूँ, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इनकेस किसी ने मेरे लास्ट वीडियो देख के अगर ये परचेस किया है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन में दे देना, दूसरों की हेल्प हो जाएगी. ठीक है, आई वुड हाईली रिकमेंड. अब बढ़ते हैं हमारे न्यू परचेसेस पे, जो कि मैंने नेक्स्ट परचेस किया है. ब्यूटिफुल सा प्लीटेड अबाया, दिस इज हाउ इट लुक्स. ये मुझे ₹868 का कुछ पड़ गया है. बट ये इतना ब्यूटिफुल लगता है, देख सकती हूँ यहाँ पे मैं वीडियो लगा रही हूँ. ये मरून कलर का आ जाता है, इसका जो नेक लाइन ये कुछ ऐसा आता है एंड ऑल ओवर इट्स प्लीटेड, पूरा प्लीटेड दिया गया है. ये इसका स्लीव ऐसा आ जाता है, ठीक है, स्लीव पे भी पूरा प्लीटेड है. इसको आपको कोई आयन करने की जरूरत नहीं, आपको इस्त्री करने की जरूरत नहीं है, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इसकी. पूरा ये प्लीटेड आ जाता है, नीचे से ऐसा फ्लेयर मिल जाएगा विच इज़ ब्यूटिफुल. ऑल्सो इट कम्स विथ अ बेल्ट, अगर आप चाहें तो बेल्ट लगा सकते हो. इसी के साथ में आपको मैचिंग दुपट्टा भी मिल जाता है. बट दुपट्टे कुछ ऐसा आ जाता है. मैंने यहाँ पे सेम दुपट्टा नहीं पहनी हूँ, मैंने लाइक थोड़ा सा अलग शेड पहना है. उस वो जो हिजाब मैंने यहाँ पे पहना हुआ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये भी मैंने हिजाब जो है ये भी मैंने मीशो से ही लिया है. I'll add the link in description and this is how it looks. It's really nice. जो दुपट्टा की क्वालिटी है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है. इट्स लाइक लिटिल ट्रांसपेरेंट, देख सकते हो अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट है. तो मैं दुपट्टा तो अपना ही यूज़ करूँगी, पर इस पर दुपट्टा आ जाता है जस्ट इन केस यू वांट टू नो. ये बेल्ट आ जाता है, ये ब्यूटिफुल सा ड्रेस है. इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है. वन थिंग आई वुड लाइक टू से, ये पीछे से ऐसा आ जाता है प्लेन, फ्रंट से आपको ऐसे ये प्लीटेड आ जाता है. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, डोंट गो फॉर लाइट कलर्स. जब आप लाइट कलर्स लेते हो ना वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लगता है, क्योंकि इससे पहले मैंने ना बेज कलर इसमें ट्राई कर चुकी हूँ एंड आई वॉज नॉट दैट हैप्पी विथ अ बेज कलर. मुझे ये थोड़ा डार्क कलर है तो इसमें बिल्कुल भी अंदर आपने क्या पहना है नहीं पता चलता है. मटीरियल क्वालिटी इज नाइस, पास से दिखा रही हूँ मैं. मटीरियल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, लाइक इट्स समवॉट लाइक अ हैवी बटर स्कॉच मटीरियल. ठीक है, बटर स्कॉच मटीरियल जैसा आ जाता है. वेरी अच्छा, थिक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं. इट्स नाइस. Now let's move to our next one. ये ब्यूटिफुल सा ना मॉवी पिंक कलर का अबाया परचेस की हूँ, जिसमें सा वाइट डिटेलिंग मिल जाता है आपको. इसका जो स्लीव है ना, ओ माय गॉड, मुझे इसका स्लीव इतना अच्छा लगा ना, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया. देख सकते हो अंदर से इसका वाइट जैसा है, वाइट की लाइनिंग दी गई है, बाहर से पूरा पिंक लगता है. ये जो कट आया गया है ना, ये जो सा कट दिया गया है बहुत सही लगता है. इसमें आपको हिजाब भी मिल जाता है, एवरीथिंग कम्स विथ हिजाब. ठीक है, हिजाब इसमें वाइट मिल जाता है. पहनने के बाद में दिस इज हाउ इट लुक्स. हिजाब की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, नॉट लाइक द फर्स्ट वन. हिजाब की इसकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है. बट या आप चाहे तो अपना हिजाब भी यूज़ कर सकते हो. इट्स ट्रांसपेरेंट, तो अगर आप सर पे पहन रहे हो मेक श्योर आप इसको ऐसे फोल्ड करो. ठीक है, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये डबल लेयर देगा और आपको अच्छा कवरेज मिलेगा. ठीक है, सो दैट्स अबाउट हिजाब. और यहाँ पे
दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉवी मॉवी क्या बोलते हैं मॉवी अबाया है ये। एंड मटेरियल जो है इसका ना फिरदोस मटेरियल जो बोलते हैं निदा मटेरियल, हाँ निदा मटेरियल, ये एकदम निदा मटेरियल है। ये देख के लगता है कि हाँ अबाया वाला मटेरियल है। इसको आयन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले दिखाई उसको आयनिंग की ज़रूरत नहीं है, पर इसको आपको अच्छे से आयन करके पहनना पड़ेगा, वरना इसमें क्रीजेस इजीली दिख जाएंगे। देख सकते हो इसमें कैसे क्रीजेस दिख रहे हैं, तो इसमें क्रीजेस दिख जाएंगे। तो या इट्स रियली नाइस, मैं घड़ी घड़ी उठ के दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। इट्स लेंथी, ठीक है, ये अब बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब माई हाइट इज़ 5'1", तो मुझे ये इतना लंबा हो रहा है। मैंने अंदर हील्स पहनी थी, स्टिल मुझे इतना लंबा हो रहा है। तो हाइटेड गर्ल्स दिस इज़ बेस्ट फॉर यू, एंड पीपल लाइक मी जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है आप ऑल्टर करवा लेना। इसका प्राइस है 742 रुपीस ओनली, 742 रुपीस में और क्या चाहिए। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परचेज पे। नेक्स्ट जो है ना ये कलरफुल अबाया है। अगेन ये जितने भी अबायास मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर नहीं है। मैं कलरफुल दिखा रही हूँ क्योंकि वो दिखने में मुझे अच्छा लगा। आप चाहे तो ब्लैक ले सकते हो, पैटर्न सेम ही आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल पिको ग्रीन जैसा कलर, ठीक है, एकदम सब पिको ग्रीन है। इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, पार्टी वेयर है ये। जितने भी अबायास है ना फंक्शन वगैरह में पहन सकते हो, सो गुड। और अब आजकल कलरफुल अबाया का ट्रेंड भी चल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें देखो ऐसे ना ग्लिटर लेस दिया गया है फ्रंट पे, यहाँ पे भी लेस दिया गया है, ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पे ऐसा ना ऐसा कुछ ऐसा कट दिया गया है, जो डिटेलिंग है स्टिचिंग है बहुत सही आई है। पर मेरे से क्या हुआ पता है, ये जो है ना ये चिपका हुआ है, ये जो स्टिकर है ना ये चिपका हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है वरना ये स्टिकर ऐसा निकल जाएगा। मैंने गलती से ना, मुझे लगा यहाँ पे कहीं जिप होगी तो मैंने इसको ऐसा खींची ना तो ये निकल गया, तो मैं इसको भी फेविक्विक से चिपका दूंगी। मैं भी इसको वैसे करने वाली हूँ, पर आप वो चीज़ का ध्यान रखना। अदर देन दैट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, और अच्छा रहता अगर ये स्टिच आया होता तो, पर ये स्टिक किया हुआ लेस है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। इसमें भी हिजाब आ गया है, ठीक है, इसमें ब्लैक हिजाब आ जाता है, तो सिंपल सा ब्लैक हिजाब मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ना दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। मेरे को पर्सनली नहीं पसंद मीशो से जो हिजाब्स आते हैं ना अबाया के साथ, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। मैं अपना खुद का हिजाब पहनती हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से स्टाइल कर रही हूँ। जो भी मैं हिजाब्स यहाँ पे पहनी हूँ, जो भी कलर है, सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। लिंक पूछना नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, चेक कर लो प्लीज़, ठीक है। तो इट्स रियली नाइस। इसका जो स्लीव है ना सारे ही जितने ये, इसमें भी देखो इलास्टिक दिया गया है, तो आपको हाथ ऐसे करोगे तो भी ना ये अच्छे से एकदम कवरेज देगा आपको। इट्स नाइस, लूज भी अच्छा खासा लूज है। इसमें कोई साइज नहीं रहता है कि स्मॉल मीडियम लार्ज, फ्री साइज आता है। तो अगर आपको इनकेस कोई साइज इशू या कुछ भी ऐसा इशू होता है तो आप इजिली रिटर्न कर सकते हो। मटीरियल क्वालिटी अगेन निदा मटीरियल आ जाता है। कितना मस्त कलर है यार, इतना मस्त कलर है। डार्क कलर में ना बहुत ही ज्यादा और थोड़ा सा ना कलर खिल के दिखता है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्टली मेरे पास है सबसे प्यारा अबाया, लाइक सबसे प्यारा मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो ये आ जाता है ब्राउन कलर का अबाया। अरे उल्टा पकड़े है मैंने उल्टा पकड़े है। अभी देखो ये सीधा हो गया। तो ये सबसे बेस्ट अबाया लगा मुझे, पता है क्यों? क्योंकि ये फीडिंग फ्रेंडली है, पहनने के बाद में कुछ ऐसा लगता है पूरा आपको ना ऐसा ग्लिटर डिटेलिंग दिया गया है, जिससे आप इसको पार्टी वेयर की तरह भी पहन सकते हो, डेली वेयर में भी पहन सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमक नहीं है, लाइक इट्स अ वेरी बहुत ऐसा थोड़ा सा चमक है, एकदम गजगज वाला वैसा कुछ टिकिया नहीं लगी हुई है, ये ऐसा कुछ डिटेलिंग आ जाता है। इट्स नाइस। स्लीव में देखो इसका अगेन ऐसी डिटेलिंग आ जाता है, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, अगर आप चाहो तो शेप कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली अबायास ऐसे लूज कंफर्टेबल अच्छे लगते हैं। मतलब अबाया पहनते हम लोग इसीलिए ना कि एकदम लूज रहे, ढीला ढाला, तो वो हिसाब से आप चाहे तो टाइट करके पहनते हो तो आप वैसे भी पहन सकते हो, नो इशू, आपकी मर्जी भाई, अपने पैसे दिए आपकी मर्जी। इसी के साथ में हिजाब भी आ जाता है। फीडिंग फ्रेंडली कैसा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, हिजाब दिखा दूँ। हिजाब में ये इसीलिए दिखा रही, क्वालिटी तो अगेन वैसी ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आई वोंट सजेस्ट, पर ये चीज़ जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छे से ना हिजाब स्टाइल करके ये ऐसे आगे की तरफ लोगे ना तो बड़ा सही लगेगा। पर यहाँ पर तो मैंने अलग कलर का पहना है, पर आप ऐसे ब्लैक भी पहन सकते हो, फीडिंग फ्रेंडली। यहाँ से आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई जिप दिया गया है, पर जब आप पास जाके इसको ओपन करोगे तो यू कैन सी अ बिग जिप,
बिग जिप बोले तो पूरा नीचे तक है, आप ऐसे खोल के पूरा उतार सकते हो। तो ये आ जाता है फीडिंग फ्रेंडली मदर्स के लिए बेस्ट थिंग। देख सकते हो कितना बड़ा जिप आ गया है, पूरा ऐसा ओपन होता है इन केस आप कहीं बाहर गए हो, आपको ऑल ऑफ सडन बच्चों को भूख लगती है, ऑब्वियसली छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके साथ में ट्रैवल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आप बच्चों को इजीली पूरा अबाया निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आगे से ओपन कर सकते हो एंड यू कैन सिट इन अ कॉर्नर और आप बेबी को फीड कर सकते हो इससे। सो इट्स फीडिंग फ्रेंडली, इट्स टू गुड, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये बहुत कम अबायाज में होता है, तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट। ये जो फीडिंग फ्रेंडली अबायाज है ना, ये किसी को जल्दी मिलते नहीं है, तो प्लीज़ ये अगर आप किसी को जानते हो जिसको इसकी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ उनके साथ में ये शेयर करना। ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन सारे ही कलर्स मिल जाएंगे आपको इसमें। ये मैंने ना जमजम अबायाज का ही पूरा ये अबाया है, तो इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कोई फ्रॉड नहीं है। आप मीशो से भी ले सकते हो, उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हो, इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पर अगर इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट श्योर रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मीशो से ले लो, वहाँ पे इजी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी है, जो कि वेबसाइट में आपको वो पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड जाके मीशो से ख़रीद लो, ठीक है। इट्स नाइस, इट्स वेरी वेरी प्रिटी मटेरियल क्वालिटी, बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट ये थोड़ा सा सैटन फिनिश वाला मटेरियल आ जाता है, देख सकते हो सैटन फिनिश वाला मटेरियल आ जाता है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इतनी अच्छी चीज़ मिल गई है तो और क्या ही चाहिए। सारे जो प्रोडक्ट्स है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट माई आउटफिट, आउटफिट अपडेट दे देती हूँ। ये मैंने ब्यूटिफुल सा कॉटन का कॉट सेट है जो कि आप घर में पहन सकते हो, थोड़ा सा वेस्टर्न भी लगता है पहनने के बाद में, ये कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो दे दूँगी। मैंने इसको एक्सेसराइज किया है विद दिस रेट्रो विंटेज क्या बोलते हैं वॉच, इसमें मैं थोड़ी स्मार्ट लगती हूँ, मतलब जब भी आप घड़ी पहनते हो ना तो आप एक थोड़ा पढ़े लिखे दिखते हो, तो इसके लिए मैंने ये वॉच पहन ली। एक हाथ में मैंने ऐसा ना ऑक्सीडाइज का रिंग और एक्सेसरीज ब्रेसलेट ऐड कर लिया है एंड इट लुक्स सो गुड, वेस्टर्न लुक भी आ जाता है और पूरा देसी एकदम फुल कवरेज है, देख सकते हो पीछे पूरा ऐसा ना अप एंड डाउन जैसा है, पीछे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एंड फ्रंट से थोड़ा छोटा है थोड़ा सा, तो वो बहुत एक अच्छा इफेक्ट देता है और ये एकदम बांधनी जैसा ना इसका प्रिंट आ जाता है, देख सकते हो एकदम बांधनी जैसा प्रिंट आ जाता है। आई लव द मटेरियल क्वालिटी, कॉटन मटेरियल है, इस्त्री की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, एकदम ऐसा ना एकदम ऐसा श्रिंक नहीं होता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 700 या 800 रुपीज़ का है, आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना विशलिंक, जिससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा डिटेल इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो मुझे हाईली कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा, देन आई विल कम अप विद मोर बेटर कॉन्टेंट। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, बाय।